आज बनाएंगे हम गर्मियों की सबसे ठंडी और पसंदीदा मैंगो आइसक्रीम, जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसे हम घर की चीज़ों से ही बहुत आसान और सिंपल तरीके से बना सकते हैं। सुपर क्रीमी और सुपर टेस्टी ठंडी ठंडी मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो बड़े साइज के मैंगो को ले लिया है। मैंगो को हम अच्छे से छील लेंगे और मैंगो को लेते समय ध्यान दीजिए कि अच्छे क्वालिटी का हो और अच्छे से पका हो, तभी हमारा मैंगो आइसक्रीम अच्छे से बनके रेडी होगा। तो सबसे पहले आम को धोकर पोंछ लीजिए और इसका छिलका हटा लीजिए। छिलका हटाकर इस तरह से सारे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इस तरह से सारे हमें पल्प मिल जाएंगे। फ्लेवर के लिए हम यहाँ इलायची पाउडर यूज़ करेंगे और घर पर ही रखा हुआ फ्रेश क्रीम डालेंगे और लास्ट में हम कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। कंडेंस मिल्क यूज करने से मैंगो आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसका जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। इन सबको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही क्रीमी टेक्सचर बनके हमारा रेडी हो चुका है। बनने के बाद और भी क्रीमी और टेस्टी हो जाएगा मैंगो आइसक्रीम। बिल्कुल यही टेक्सचर हमें चाहिए था। अब इन सबको हम एक एक करके सारे मोल्ड में डाल लेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं अवेलेबल है तो आप पेपर ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी मैंगो आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बन के रेडी होता है। अब सारे मोल्ड का जो कैप है हमें अच्छे से टाइट कर लेना है, नहीं तो इसमें एयर जाएगा तो इसमें आइस की लेयर जम सकती है, जिससे आइसक्रीम का टेस्ट हमारा ख़राब हो सकता है। 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख सकते हैं, जो बहुत बढ़िया से सेट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। तो 5 से 6 घंटे हो चुका है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन क्रीमी मैंगो आइसक्रीम बन के हमारा रेडी हो चुका है। तो आप भी इसे घर पे बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। आप चाहें तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं।